तो दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, ये है आर्चा फियोटा। यहाँ से आप देख सकते हैं तीन बड़ी जो है वो आर्टरीज निकल रही हैं, जिसको ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक, ये ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक राइट साइड ऑफ द बॉडी में जाएगी, जहां पे जाके ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी दे देगी। ठीक है, दूसरी जो दो आर्टरी है यहाँ पे लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक का कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्टली लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्टली यहाँ से निकलते हैं, ये आर्चा फियोटा। ठीक है, ये स्पीरियर वेना केवा जो मैंने आपको बताया था राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोस्फेलिक वेन से मिलकर बनता है, और ये अपर साइड ऑफ द राइट एट्रियम में ये जो है जाके एंटर हो जाता है। ठीक है, और ये है कॉमन पल्मोनरी ट्रंक आर्चा फियोटा के लेवल के ऊपर आके दो में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, राइट वाली राइट पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, इसी तरह इस पिक्चर में आपको जो है ना वो काफी और चीजें जो है वो नजर आ रही है, ये यहाँ पे क्रोनरी साइनस भी आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे क्रोनरी आर्टरीज जो है वो आके ओपन होती हैं, सॉरी निकलती हैं, ये क्रोनरी वेन्स आके ओपन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ मसल नजर आ रहे हैं, ये जो है ना यो कनेक्शन होगा, ये वाला कनेक्शन होगा एट्रिया और वेंट्रिकल के, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस कहते हैं। ठीक है, ये फाइबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे जिन्हें कॉर्डेट टेंडिनाई कहते हैं, जो आप लोगों को मैंने बताया इसमें पेपिटरी मसल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह ये कॉर्डेट टेंडनाइज जो है ये आपको मैंने बताया था, ये दोनों वेंट्रिकल्स में जो होते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो इन चीजों के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है। इसके अलावा ये जो सेप्टम है, जिसे आप बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रही थी कि स्केलेटन ऑफ द हार्ट क्या है, तो बेसिकली ये जो दिल को सेपरेशन दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, इसमें पेरिकार्डियम भी आ जाती है, जिसमें ये इंटरवेंट्रिकुलर या इंटरएट्रियल सेप्टम भी आ जाता है, जो इनको इनको सेप्टम सेपरेट कर रहा है दो वेंट्रिकल्स को, तो इसको हम लोग जो है ना वो स्केलेटन ऑफ हार्ट भी कह रहे हैं। ठीक है, तो स्केलेटन ऑफ हार्ट में हमारी पेरिकार्डियम आ जाती है, जितनी भी उसकी लेयर्स आ जाती हैं, इसके अलावा ये सेप्टम है जो कि सेपरेट कर रही है भी स्केलेटन ऑफ द हार्ट में, और इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। इस पिक्चर में वो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट जो है वो भी दिखाया। अच्छा है, ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ से देखते हैं, राइट ये सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आया, इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आया, राइट एट्रियम फिल किया, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो गया राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल से कॉमन पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में गया, राइट और लेफ्ट लंग्स में गया। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में ब्लड जो है ना वापस आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, जो कि लेफ्ट एट्रियम में आके एंटर होंगी, ये वाली पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे दिखाई गई है, ये वाली और ये वाली उधर से भी आएंगी इधर से भी आएंगी। ठीक है, ये जो दिखाई, इसलिए इनका कलर जो है वो रेड रखा हुआ है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो नॉर्मली जो ऑक्सीजनेशन के लिए चीजें होती है उसके लिए हम रेड यूज करते हैं, और जो डी ऑक्सीजनेशन के लिए होती है उसमें ब्लू यूज करते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर ऊपर की तरफ जाएगा आर्चा एओर्टा की तरफ, ये असेंडिंग एओर्टा है, ये आर्चा फियोर्टा है, फिर डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग ये ऊपर सप्लाई कर देगी तीन ब्रांचेस, और डिसेंडिंग एओर्टा फिर आते हैं नीचे कुछ थ्रेसिक रीजन को ब्लड सप्लाई करेगा, और कुछ ब्लड जो है वो पूरे का पूरा हमारा एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा के फर्दर जो है वो डिवीजन ऑफ हम लोग जो है ना वो डिटेल से इन द रिस्पेक्टिव रीजंस जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग जो है ना उसको याद। ठीक है, ये एक दफा दोबारा उस चीज को उसने क्लियर किया हुआ है, और कोशिश करें कि आप ये डायग्राम जो है ना सबसे अच्छी डायग्राम है, इसको आपने हार्ट की ड्रॉ भी करनी, एक डायग्राम मैंने आपको कहा था ना हार्ट की ड्रॉ करनी है, तो ये डायग्राम जो है ना वो आपने स्केचबुक पे ड्रॉ करनी है, उसके साथ अगर आप ये भी ड्रॉ करते हैं उसके बिल्कुल हार्ट के साथ, तो ये भी एक अच्छी बात है, यहाँ से चीज जो है ना वो आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, ये है कॉमन पल्मोनरी ट्रंक जो आर्चा फियोर्टा के लेवल के ऊपर आके दो में डिवाइड हो गया, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, राइट भी दो है लेफ्ट भी दो है, ये यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स दिखाई गई हैं, ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, और ये दोनों के दोनों ओपन होंगे यहाँ पे, चूंकि हमारे पास वो हार्ट को जरा बाईपास किया गया यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, ये राइट पल्मोनरी वेन्स, दोनों चारों के चारों आके लेफ्ट एट्रियम में एंटर होते हैं, तो ये याद रखेंगे पल्मोनरी वेन्स जितनी भी हैं वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर होती हैं, बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो राइट एट्रियम हार्ट में एंटर होती है। ठीक है, ये आर्चा फियोटा दिखाया, यहाँ पे भी आपको तीन जो है वो दिखाई गई है, पहला ये ब्रेकियोस्फेलिक ट्रंक है, ठीक है, इसके अलावा ब्रेकियोस्फेलिक आर्टरी है, और ये जो दो है एक राइट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दिखाई गई है, ये पीछे ट्रेकिया है जिसके अंदर शीर्ष कॉटलेजेस दिखाई गई है,
उसके पीछे एसोफेगस है, ठीक है, ये इतना लंबा एसोफेगस दिखाया गया है। ये सारे यानी ट्रेकिया के एसोफेगस के बिल्कुल इंटीरियर जो है वो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के बिल्कुल इंटीरियर जो है ये हमारे पास आर्चा एओर्टा जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आके ट्रेकिया दो में डिवाइड कर जाता है यानी कि बाइफर्केशन हो जाती है एंडो ब्रोंकियल राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, उस पॉइंट के ऊपर ये वही पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर जो है ना कॉमन पल्मोनरी आर्टरीज जो है ना दो पॉइंट के ऊपर डिवाइड हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। इसके अलावा ये पल्मोनरी लिगामेंट यानी कि थोरैसिक एओर्टा यहां पर, सॉरी ये पल्मोनरी लिगामेंट दिखाया गया है जो कि इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे ये राइट साइड पे होगा, ये लेफ्ट साइड पे होगा, ये थोरैसिक डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, जैसे ही एब्डोमेन को क्रॉस करेगा डायफ्राम को पीस करके गुजरेगा तो हम इसको एब्डोमिनल एओर्टा। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग क्लियर करें, मैंने आपको बताया था कि